हेलो गाइस, देखिए सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। देखिए आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बताना चाह रहा हूं। मोटिवेशनल जो वीडियो है उसका जो थीम है हमारी, उसकी ये थीम है कि हमें पहले अपने को खुद को सुधारना होगा। हम तभी दूसरे को सुधारने के लिए कह सकते हैं। जब तक हम किसी चीज को खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, जब तक हम उस रास्ते पे खुद नहीं चल रहे हैं, तो दूसरे को चलने के लिए हम कैसे एडवाइस दे सकते हैं। तो इसी प्रकार की एक छोटी सी वीडियो है। देखिए एक बार की बात है कि एक बच्चे को डायबिटीज हो जाती है, तो बच्चा शुगर की बीमारी रहती है, तो मीठा तो उसमें बहुत नुकसानदायक है। तो बच्चे के फादर उसके गुरु के पास चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बच्चा जो है गुरु का बहुत अधिक सम्मान भी करता है और गुरु की बहुत अधिक बात भी मानता है। देखिए जैसे कि प्राचीन काल में हमारे यहां पर यदि राजा भी गुरु आश्रम में जाता था तो वो भी अपना मुकुट बाहर रख के जाता था कि अब मैं साधारण आदमी हूं, अब मैं राजा नहीं हूं। गुरु का स्थान जो है कबीर दास ने भी कहा है कि भगवान से बड़ा होता है। तो जब वह विद्यार्थी और उसके फादर जो है गुरु के पास पहुंचते हैं और गुरु से कहते हैं कि इस बच्चे को डायबिटीज हो गया है, कृपया आप इसे जो है शुगर खाने के लिए, चीनी खाने के लिए मना कर दीजिए। तो गुरु ने कहा कि बेटे कल आना। तो फादर भी सोचने लगे कि हो सकता है कि कोई दवाई देंगे गुरुजी, मैं चलो कल ही चलते हैं। तो ये अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन नेक्स्ट डे जो है गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो गुरु बच्चे को कहता है बेटे आपको डायबिटीज है, इसलिए आपको जो है शुगर नहीं खानी चाहिए, चीनी गुड़ आपको नहीं खाना चाहिए। तो उसके फादर जो है पिताजी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अब गुरुजी को जब यही बात बतानी थी तो कल भी बता सकते थे इस बात को, हमें दूसरे दिन परेशान किया है उन्होंने। तो उसके बच्चे के पिताजी ने गुरुजी पूछा कि गुरुजी जब आपको यही बात बतानी थी तो कल भी आप बता सकते थे, कल आपने क्यों नहीं बताया। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छा जो है आंसर दिया कि कल मैंने खुद गुड़ खाया था, खुद मैंने शुगर खाया था, तो बच्चे को मैं कैसे कह सकता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को पहले खुद सुधरना होगा, उसके बाद में हम दूसरे को जो है एडवाइस दे सकते हैं। आज हम खुद तो सुधर नहीं रहे, दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं, तो वो जो है अच्छी बात नहीं है। अगेन सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच।